मैं मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए ये फिल्म जो है स्क्रीनिंग ज़रूर करवाना चाहूँगी, और अमिताभ बच्चन जी के लिए डेफिनेटली। सबसे पहले मैं आज बहुत खुश भी हूँ और बहुत सैड भी हूँ, इसलिए कि मैं, मेरे भाई पिछले 12-15 सालों से हम लोगों ने बॉलीवुड में इतने चप्पल घिस लिए, बड़े बड़े होल हो गए हमारे चप्पलों में, इतना स्ट्रगल किया, पापड़ बेले, और हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, मेरे और मैंने भाई ने हम लोग, लेकिन हिम्मत कभी नहीं आ रही, बहुत ठोकरें खाई, बहुत ही उतार चढ़ाव लाइफ में रहा, लेकिन आज बहुत प्राउड हो रहा है मुझे अपने भाई राकेश सावंत पे कि हमारी फिल्म जो है PVR में फिल्म लगना, इट्स नॉट ईजी। फिल्म बनाना भी ईजी नहीं होता, फिल्म लोगों की बन जाती है लेकिन रिलीज़ नहीं होती है। PVR में रिलीज़ करना और हिंदुस्तान के 2000 थिएटरों में फिल्म रिलीज़ करना, इट्स नॉट अ जोक। बट थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माई मॉम के सबके आशीर्वाद से ये फिल्म रिलीज़ हो गई, और क्योंकि मुद्दा बहुत गर्म है, क्योंकि मोदी जी ने मुद्दा जो कश्मीर का मुद्दा है, एक दिन हम लोग चैन की नींद सो रहे थे और मोदी जी काम कर रहे थे, तो उन्होंने सुबह उठ के बता दिया कि सारी धाराएं हटा दी गई है 370 की, और तब हमारी फिल्म वहाँ पे शूटिंग कर रही थी कश्मीर में, तो हमारी फिल्म के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये मिल गया, क्योंकि वो धाराएं जो 370 धारा क्या है वो आपको फिल्म में पता चलेगा फिल्म देखने के बाद, अभी तक 80% लोगों को पता नहीं है कि धारा मुद्दा 370 क्या है, पहले धारा थी अब तो मुद्दा रह गया। तो इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह से राकेश सावंत ने बनाया है, हितेन तेजवानी, अंजलि मेन लीड कर रहे हैं, वैसे बॉलीवुड के सारे बड़े बड़े कलाकार जो सपोर्टिंग में हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। हमारी फिल्म बहुत छोटे बजट की है, लेकिन आज उस फिल्म PVR में रिलीज़ हुई तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि फिल्म छोटे बजट की है। जो बड़े बजट की फिल्में भी होती हैं तो लोगों को पसंद नहीं आती, शायद आई क्रॉस माई फिंगर कि ये फिल्म जो है लोगों को बहुत पसंद आ जाती है। जी के लिए जो हमारे मुंबई के CM हैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, मेरे दिल तहे दिल से मैं बहुत खुश हूँ कि उद्धव ठाकरे जी CM बने। मैं मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए ये फिल्म जो है स्क्रीनिंग ज़रूर करवाना चाहूँगी, और अमिताभ बच्चन जी के लिए डेफिनेटली। खुश भी हूँ और बहुत सैड भी हूँ, दैट वॉज वेरी स्कैरी। वो पुलिस जिन्होंने, हैदराबाद पुलिस जिन्होंने एनकाउंटर किया, उनको मैं सल्यूट करती हूँ कि ऐसे हिंदुस्तान की लड़कियों के भाई है, ऐसे पुलिस में शामिल है, तो हिंदू जो हैदराबाद के लिए जो लड़की हैं उनको न्याय मिला है, जो एनकाउंटर्स किया गया बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लोग अभी उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, जब एक रेपिस्ट को, किसी लड़की को बलात्कार होता है, उनके रेपिस्ट जब जिंदा रहते हैं तो पूरा हिंदुस्तान मोमबत्ती लेके घूमता है कि इनको फांसी दो, इनको ये करो वो करो, और वही उनको फांसी दी जाती है या एनकाउंटर किया जाता है, तो अब ये बवाल करते हैं, फोकड़ का अगेंस्ट जाते हैं। आई रियली डोंट नो, मैं उन लोगों के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो ये अगेंस्ट जा रहे हैं। देखो, जिन जिन नेताओं पे अगर आरोप है रेप का, तो मुझे ऐसा लगता है उन सारे नेताओं को एनकाउंटर कर देना चाहिए। सारे पुलिस करे कि देश की पुलिस करे, देश की पुलिस करे एनकाउंटर। दीपिका पादुकोण की फिल्म आ रही, बात देना चाहूँगी, बिकॉज ये लोग तो बॉलीवुड के स्टार्स और रॉक स्टार्स हैं, इनकी पिक्चरें तो सुपर हिट होती है। हम तो छोटे छोटे सितारे हैं। बिग बॉस के लिए मुझे ऐसा लगता है पूरा चांस है कि सिद्धार्थ जीतेगा, सिड जीतेगा, पूरे चांसेस है सिड के जीतने के। थैंक यू।